नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करेंगे हम आज की अपनी क्लास, यानी कि आज हमने शुरू करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ एंड एलसीएम हमें शुरू करना है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम को शुरू करने से पहले हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो एचसीएफ एलसीएम में हमारे बहुत काम आने वाली है, तो वो पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। जैसे हमें डिविजिबिलिटी पहले पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, डिविजिबिलिटी यानी कि डिविजिबिलिटी। अब यहां डिविजिबिलिटी से मतलब ये है, जैसे 9 से कौन कौन संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, यानी कि विभाज्यता की जांच करना, विभाज्यता की जांच करना। दूसरी बात, मैं प्यारे बच्चों आपसे ये कहूंगा कि ये चैप्टर आपका है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप एक एक क्लास एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, और सारे मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने प्रेफरेंस दी है, लेकिन पहली एक और दो क्लास है, यानी कि पहली दो क्लास से आपकी बिल्कुल बेसिक है, उनमें एक एक चीजें आपको तैयार करनी है, और इसके बाद के आप क्वेश्चन देखना, मैं आपसे इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन में आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहली दो क्लास से आपको बहुत इत्मीनान और धैर्य के साथ बिल्कुल एक एक चीज आपको देखनी है, और इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले डिविजिबिलिटी, तो हमने पढ़ना है एचसीएफ एलसीएम, और उसके लिए मैंने अभी शुरुआत में क्या पढ़ा रहा हूँ आपके, छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी, 15 मिनट लगेगी इसको मुझे पढ़ाने में। एक बार जरा 15 मिनट में डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं दो की डिविजिबिलिटी, यानी कि वे संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए, वे संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम दो की डिविजिबिलिटी देखते हैं तो ध्यान रखना कि लास्ट डिजिट, लास्ट का अंक, लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए संख्या का, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर लास्ट के ये अंक किसी संख्या में आते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको पता होगी। ठीक है, अगर हम 4 की बात करें तो 4 क्या होता है हमारा, देखिए 2 की पावर 2 होता है, 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2। तो आप यहाँ पावर पे जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, किससे डिवाइड हो जाने चाहिए, आपके 4 से। ठीक है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाते तो उस संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 2, 1, 3, 4, 5 और ये 2, तो देखिए यहाँ 52 क्या है आपका, 52 क्या है, 4 से कट जाएगा, 13 चौके 52 होता है, 13 चौके 52 होता है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे 8, अब 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट आपके क्या हो जाने चाहिए, 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट आपके जो है 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए, तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं 16, 16 क्या होता है आपका, 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 का मतलब है कि यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट 4 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, 4 से नहीं, लास्ट के 4 डिजिट किससे, 16 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, 16 से डिविजिबल होने चाहिए, तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 16 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अच्छा आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इनको लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे अभी आपके, 15 मिनट बाद ही आप देखना कि इनका कितना यूज आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, हम देखेंगे 5 की डिविजिबिलिटी 5। तो हमने कहा 5 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर हम देखते हैं तो लास्ट जो डिजिट है, लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 25 के लिए हम फिर से वही काम करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर का मतलब है कि लास्ट टू डिजिट हमारे क्या होने चाहिए, लास्ट के 2 अंक हमारे क्या होने चाहिए, 25 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 1, 2, 3, 4 और मान के चलो मैंने लिख दिया 75, तो ये देखिए लास्ट में ये कितना है आपका 75। अब 75 अगर मान के चलो हमारा 25 से डिवाइड होता है 75, तो इसका मतलब है कि वो संख्या भी हमारी 25 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 2 अंक अगर 25 से डिवाइड हो गए तो वो भी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब आगे देखिएगा, अब 125, अगर 125 की बात करें तो ये क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है, तो हम यहां देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट
लास्ट के थ्री डिजिट, ठीक है, यानी कि लास्ट के तीन अंक 125 से डिवाइड अगर हो जाते हैं तो वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वो संख्या क्या हो जाएगी, 125 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद आते हैं 625। 625 का मतलब हो गया यहाँ पे 5 की पावर 4। 625 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 4, ठीक है, 5 to the power 4, यानी कि लास्ट के फोर डिजिट 625 से डिवाइड हो जानी चाहिए। लास्ट के फोर डिजिट 625 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो कोई भी संख्या अगर हमारी 625 से कटती है, डिवाइड होती है, तो इसका मतलब उसके 4 डिजिट बाद के 625 से डिवाइड हो जाने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसके साथ में एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए हमें 625 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 625 से कौन सी संख्या हमारी कटेगी। तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट उसको 625 से चेक करूंगा, मैं पहले उसे 25 से चेक करूंगा। बात समझ गए? जैसे मैंने कहा कि 25 से चेक करने के लिए क्या देखना है, बाद के 2 ही डिजिट देखना है, तो 2 डिजिट को तो हम बिना पेन के ऐसे ही चेक कर लेंगे। अब पहले एक चीज समझिएगा दोस्तों कि 625 से चेक करने का मतलब ये है कि पहले अगर हम 25 से चेक करें, कोई संख्या अगर 25 से कटती है हमारी, 25 से डिवाइड होती है, तभी तो हम 625 पे जाएंगे। और एक संख्या 25 से ही डिवाइड नहीं होती तो हम 625 से क्यों चेक करें उसको, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी आपको 625 से 125 से चेक करना तो पहले 25 से चेक कीजिए, यानी कि 25 से अगर वो डिवाइड होगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और जब 25 से ही डिवाइड नहीं होगी, कोई 25 से ही डिवाइड नहीं हो रही, तो फिर उसमें आगे बढ़ने का हमें कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे देखिएगा। अब हमने आपको ये बता दिया, इसके बाद हम देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है, तो मैंने बता दिया कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा इसमें और लिख लीजिएगा इन सबको। यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होगा कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था 15, 5 और 1 कितना आ गया, ये 6, ठीक है। तो 15 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो इसके डिजिट देखिए, अंकों का योग देखिए इसका, वो कितना है, 6 है, तो 6 भी तो 3 से कटता है। जैसे 18 देखिए, 8 एक 9, 9 भी 3 से कटेगा। 21 देखिए, 2 और 1 3, 3 का मतलब ये 3 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है, यानी कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। इसके बाद हमने आपको बताया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे 6 की डिविजिबिलिटी। यानी कि 6 की अगर हम डिविजिबिलिटी देखते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी अगर हम 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो याद रखना जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 6 किससे बनता है, 2 और 3 से बनता है। तो जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगी, वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं 7 और 13 की डिविजिबिलिटी लेंगे हम, ठीक है, 7 और 13 की डिविजिबिलिटी लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा, 7 और 13 के लिए लास्ट के 3 अंक का पेयर बनाएंगे, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट नंबर, यानी कि जो बच गया, यानी कि शेष में से उसको घटाएंगे, शेष में से घटाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा जी 1723 और ये 423, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1723 और ये कितना हो गया, 423, 1723 423। तो हमने करना क्या है, इन बाद के 3 का क्या बनाना है, पेयर, इन बाद के 3 का क्या बनाना है, हमें पेयर बनाना है, ठीक है। तो 1723 में से अगर हम 423 घटाते हैं, तो 1723 में से 423 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 17 में से 4 गए, 1300 बचेगा, ठीक है। 1300 बचने का यहाँ पे ये मतलब है कि
कि क्या ये संख्या, ये 1300, ध्यान से देखिएगा क्या है, 13 से 7 से कटेगी, 7 से, जी नहीं, 1300 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1300 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो संख्या ये 7 से डिवाइड नहीं होगी, ये वाली जो संख्या वो 7 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद ये जो 1300 है, ये जो 1300 है, क्या ये 13 से डिवाइड होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे एक चीज ये देखनी है, जैसे हमने ये तीन अंकों का पेयर बनाया, तो ये 1723 क्या है, 423 से क्या है, बड़ा है, तो आपको ये देखना है कि जो शेष बच गया, एक तो तीन अंकों का पेयर और एक जो ये शेष बच गया, इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी में से छोटी को घटाना है आपको, बड़ी में से छोटी को, अगर ये वाली बड़ी होती तो इसमें से इसको घटा देते, अब ये बड़ी है तो इसमें से हमने इसको घटा दिया, तो 1723 में से हमने किसको घटा दिया, 423 को, क्या बचा हमारा 1300, 1300 सात से नहीं कटता है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, लेकिन 1300 हमारा 13 से डिविजिबल है, 13 से कट जाता है, तो इसका मतलब है ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा 1123 और ये 423, ठीक है, 1123 और 423, तो ये तीन अंकों का पेयर बनाए, तीन अंकों का पेयर बनाए, तो क्या बना हमारा ये 1123, और इसमें से अगर हम 423 घटा दे तो हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 700 यानी कि 700। अब देखिए 700 क्या है कि ये 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये संख्या 7 से बिल्कुल कट जाएगी, और क्या ये जो है 700 हमारा जो है 13 से डिविजिबल है, नहीं जी 13 से डिविजिबल नहीं है, ये 13 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 13 से नहीं कटेगी, यानी कि 13 की ये गुणज नहीं होगी, 13 का मल्टीपल ये नहीं होगा, ठीक है, 13 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद आता है 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, एक बार आप एक काम कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब आते हैं 9 की डिविजिबिलिटी पे। 9 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल 3 की तरह है, ठीक है ना, सेम एज थ्री, ठीक है, यानी कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, जैसे 27, 7 2 कितना हो जाएगा, ये 9, देखिए 9 किससे, 9 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे मैंने कहा 36, देखिए 6 3 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पे। 11 की डिविजिबिलिटी, अब 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी, अगर हम 11 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो याद रखना, ध्यान से देखना, सम यानी के इवन, सम एवं विषम यानी के ओड, सम एवं विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर यानी के डिफरेंस या तो जीरो हो या 11 का गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है, या तो जीरो हो या 11 का गुणज यानी के मल्टीपल हो। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, सम एवं विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर या तो जीरो हो या 11 का गुणज या मल्टीपल हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ 121। अब देखो ये जो पहला ये अंक है, देखो ये वाला अंक और ये वाला अंक, एक एक अंक छोड़ दो आप, एक और एक कितना आ गया, मैंने लिखा यहाँ पे 2, और इस अंक, ये अंक कितना है आपका 2, अब 2 में से 2 गया, कितना बचा आपका 0। ठीक है, यानी कि जो सम, ये देखो ये पहला नंबर है 1 2 और 3, पहला स्थान पे कौन है, ये विषम संख्या, विषम नंबर है, फिर तीसरे पे कौन है, ये विषम है, तो इनको जोड़ लो 1 और 1 2, फिर सम को जोड़ लो, सम स्थान पे जो भी आएंगे, यानी कि 2 में से 2 गया 0, तो यानी कि जो डिफरेंस है या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं,
ये बातें वैसे आपको पता भी होती है, बस मैं तो आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी अब आगे, ठीक है। यानी कि HCF LCM में डिविजिबिलिटी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा अब नेक्स्ट। तो 11 हमने बता दिया, मैंने बता दिया, देखिए 2 मैंने बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, 5, 6, 7 भी बता दिया, 8, 9 और 10 में तो बाद में जीरो होनी चाहिए, 11 मैंने बता दिया। 12 का मतलब हो जाएगा जो 3 और 4 से कट जाएगी, ध्यान से देखिए क्या 12 का मतलब जो 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगी वो किससे हो जाएगी, 12 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद मैंने 13 भी बता दिया, 7 और 13 का एक साथ बताया था। 14 का मतलब क्या हो जाएगा, जो 3 और सॉरी जो 2 और 7 से डिवाइड हो जाएगी वो 14 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं 15, 15 का मतलब है जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगी, 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगी तो किससे डिवाइड हो जाएगी आपकी 15 यानी कि 15 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं 16, 16 मैंने बता दिया, अब 17 पे आ जाइए, देखिए 17 किस पे आ जाइए, 17 पे, अब 17 पे आ जाओ जरा एक बार, देखो 17 की डिविजिबिलिटी, 17 की डिविजिबिलिटी, 17 की डिविजिबिलिटी, तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, 17 का मतलब हो जाएगा कि हमने देखना है कि लास्ट डिजिट का 5 गुना करना है, लास्ट डिजिट का 5 times 5 times करना है एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, करना है और शेष में से घटाना है, और शेष में से घटाना है, और शेष में से घटाना है, शेष में से घटाना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने कहा जी 7004, ये एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ये लास्ट जो अंक है ना, ये लास्ट अंक ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, बस यहाँ इसमें से घटा दो तो 700 में से 20 गया, कितना बच गया 680। अब 680 देखो क्या 17 से कटता है, बिल्कुल ये 17 से डिवाइड होता है जी, हाँ जी बिल्कुल होता है, देखो 17 × 68 कट गया ना, तो ये संख्या भी हमारी 17 से डिवाइड हो जाएगी, 17 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मान के चलो कि संख्या आपकी बड़ी हो तो इस प्रोसेस को क्या कर दो, 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, जैसे आपको एक एग्जांपल और देता हूं, देखिए जैसे आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने कहा 17221, तो हमने करना क्या है, देखो ध्यान से, ये जो एक है इसका 5 गुना करो तो कितना हो गया 5, अब 22 में से 5 गया कितना आ गया 1717, वैसे तो देखने से पता चल गया होगा आपको कि 1717 क्या होगा, 17 से डिवाइड हो रहा है, अब ये 1717 क्या है, 17 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये संख्या क्या है 17 से डिवाइड होगी। लेकिन अगर आपको मान के चलो संख्या बड़ी है तो अब देखो फिर से ये 5 देखो, ये 7 देखो सॉरी, लास्ट डिजिट कितना है 7 है, इसका क्या करो 5 गुना 7 × 5 = 35, तो 35 को यहाँ ले आओ, अब देखो 11 में से 5 गए कितने बचे 6, 11 में से 5 गए 6 बचे और 6 में से 3 गए 3 1, अब देखो 136, अब 17 का टेबल आपको आता होगा तो 136 क्या होगा 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये संख्या मेरी 17 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहा था कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अगर मैं मान के चलो थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो आप जो है इसको स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेंगे, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसके बाद आते हैं 18, 18 का मैंने बता दिया जो 2 से और 9 से कट जाए वो हमारी किससे कट जाएगी 18 से कट जाएगी, इसकी कहानी खत्म। आगे आते हैं 19, बस 19 तक हमें तैयार करनी है, 19 वाली लास्ट है, ठीक है, 19 तक अगर हमारी उंगलियों पे है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे 19 की इनकी रेयर केस में जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो चलिए 19 की बात करते हैं, ठीक है 19, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट डिजिट का 2 गुना यानी कि 2 times 2 गुना करना है, 2 गुना करना है और शेष में जोड़ना है, शेष में जोड़ना है, ठीक है, शेष में जोड़ना है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं, 4047, ठीक है, इसका 7 का क्या करें 2 गुना करें, 7 × 14, 14 को यहां ऐड कर दें, ये आ गया 8, ये आ गया 1, ये आ गया 4, अब देखिए 418, इसमें भी हमें 19 को काटने में थोड़ी दिक्कत आएगी तो एक बार फिर कर दो 8 × 16, 16 को यहां जोड़ दो तो कितना आ जाएगा ये 57, क्या 57 मेरा 19 से कट जाएगा, 19 × 57 बिल्कुल कटेगा, तो इसका मतलब है 4047 भी हमारा क्या होगा 19 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4047 भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, गौर से देखिएगा,
मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिए, सात का दोगुना करा हमने तो कितना आ गया 14, ये चार चार कितना हो गया 8, ये एक ये चार। अब देखिए 418 भी मुझे संख्या थोड़ी सी बड़ी सी लग रही, तो एक बार फिर कर दो, 8 × 2 = 16, यानी कि आखिरी अंक का जो है वो दोगुना करना है और बाद वाले में जोड़ना, जो बच गया उसमें जोड़ दो, तो 41 × 16 कितना हो गया 57। अब क्या 57 19 से कट रहा है? हाँ जी बिल्कुल 19 से कटेगा, तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या जो है 4047 ये भी हमारी 19 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डिविजिबिलिटी बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हम HCF एंड LCM की, अब बात करेंगे हम HCF एंड LCM की, और उसमें भी बल्कि हम पहले बात करेंगे HCF की, ठीक है, LCM को बाद में देखेंगे, पहले हम बात करेंगे HCF की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यानी कि यहां हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है, पहले कुछ बातें आपको बताऊंगा बेसिक बेसिक, ठीक है ना, HCF के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, एक चीज आप समझ लीजिए पहले, जैसे ये लिखा है 6, तो 6 किस किस से कटेगा? एक तो 6 से कटेगा, ठीक है, एक किससे कटेगा? 3 से कटेगा, एक 2 से भी कटेगा, एक 1 से भी कटेगा, और 6 किस किस को डिवाइड करेगा? देखिए 6 12 को करेगा, 24 को करेगा, 18 को करेगा, ठीक है, और बहुत सारी संख्या होगी ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो आपको बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से एक एक बात को पकड़िएगा बिल्कुल, ठीक है ना, सेट कर लीजिएगा दिमाग में, और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा, याद रखना इस बात का। ठीक है, मैंने बता रखा है 90% क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस भरोसा कीजिएगा और एक एक वर्ड एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें सुनिए, और जो चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ पहली दो क्लास, आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास, इनमें से एक भी चीज ना छोड़िए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस बात का कि 90% क्वेश्चन आप कहोगे कि किताबों में नहीं मिलेंगी ये चीजें आपको, ये ध्यान रखना। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिए ये जो नीचे वाले आप देख रहे हो, यानी कि 6 × 3 = 2 = 1, ये 6 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ये हमारी कोई संख्या है, नंबर है, ठीक है, ये चीजें 6 को डिवाइड करेगी, तो हम इनको क्या कहते हैं? फैक्टर, यानी कि गुणनखंड, क्या कहते हैं इनको हम? गुणनखंड, ठीक है, और जिसको 6 डिवाइड करेगा, देखो इनको, इनको क्या कर रहा है? 6 इनको डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो इसको कहते हैं मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होगा यहां पे गुणज, ठीक है ना, तो समझ पा रहे होंगे आप प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, 6 को जो डिवाइड करे, यानी कि 6 के ये क्या है? 6 × 3 = 2 = 1, यानी कि 6 के क्या है? टुकड़े, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? फैक्टर, यानी कि गुणनखंड, जो 6 को डिवाइड कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे, और जिनको 6 डिवाइड करेगा, जिनको 6 डिवाइड करेगा, ध्यान से देखिएगा, जिनको 6 डिवाइड करेगा ये 6, ये क्या कहलाएंगे? 6 के मल्टीपल, 6 के क्या कहलाएंगे? ये मल्टीपल, यानी कि गुणज, ठीक है, तो यही फर्क होता है आपका HCF और LCM में। देखो जब HCF की बात करेंगे तो HCF में क्या आएगा? F, यानी कि फैक्टर, और जब LCM की बात करेंगे तो उसमें आएगा बाद में M, यानी कि मल्टीपल। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ से। तो जब हम HCF की बात करते हैं, पहले बिल्कुल कॉमन कॉमन सी बातें आपको बताऊंगा, जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि भाई मैंने दो संख्या ले ली यहाँ पे, मान के चलिए मैंने ले लिया, एक ले लिया 45 और एक ले लिया मैंने 55, ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए इस वर्ड का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फैक्टर, बल्कि मैं इनको लिख देता हूं यहां पे, यानी कि हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, ध्यान से देखिए क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए, तो इनके फैक्टर करो, देखो 45 का फैक्टर 45 भी होगा, और इसके बाद 15 होगा, 9 होगा, 5 होगा, 3 होगा और 1 होगा। अब इसमें देखें तो इसके फैक्टर कौन होंगे? 55 होंगे, एक इसमें 11 होगा, एक 5 होगा, एक इसमें क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब HCF LCM की बात आती है, जब HCF LCM की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? HCF LCM में जब HCF की हम बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? HCF की, तो सबसे पहला वर्ड इसमें आता है फैक्टर। तो हमने क्या है? दो संख्या है, दो से ज्यादा संख्या है, सबसे पहले हमने फोकस किस पे करा? फैक्टर पे करा। किस पे फोकस करा हमने? फैक्टर पे करा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फैक्टर होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए?
कॉमन होना चाहिए, फैक्टर कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो इनमें सबसे पहले मैं देखूंगा कि कॉमन फैक्टर कौन कौन है। अब कॉमन फैक्टर देखिए कौन कौन है इसमें, एक तो 5 कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है इसमें, और 1 कॉमन है, ठीक है, दोनों क्या है, ये कॉमन है, 5 और 1, 5, 1, दोनों लाइन में, दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 55 वाली रो में कॉलम में और आपका 45 वाले कॉलम में, दोनों में आपको 5, 1 और 5, 1 दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें, देखिए सबसे पहले फैक्टर होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, इसके बाद क्या होने चाहिए, वे हाईएस्ट होने चाहिए, हाईएस्ट का मतलब है कि सबसे बड़े होने चाहिए। अब इनमें बड़ा कौन है, 5 है, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इन दोनों का, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका, 5 हो जाएगा, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हम एचसीएफ किसे कहते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि फैक्टर होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस बात को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये 4 है और ये 6 है, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा इनका, 2 आएगा। अगर इनका एचसीएफ 2 होगा तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 इसके अंदर भी होना चाहिए और 2 इसके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। कभी भी याद रखना कि जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ संख्याएं 2 है या 2 से ज्यादा है, तो एचसीएफ सभी संख्या में मौजूद होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मान के चलो मैं आपसे ये कहने लगूं कि भाई ये 45 है और ये 55 है, कोई मेरे से कहे कि इनका एचसीएफ क्या है जी, 9 है, मैं कहूंगा कि 9 इसमें तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो 9 जिंदगी में आप ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इनका एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, इनको नोट करते रहिएगा। अब सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने क्या बताया आपको, ये 4 है और ये 6 है, इनका एचसीएफ कितना होगा, इनका एचसीएफ होगा 2, तो 2 क्या है कि इसके अंदर भी होना चाहिए और इसके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये है एचसीएफ और ये है संख्या, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसे संख्या में डाल दो, यानी कि हर संख्या में एचसीएफ मौजूद होना चाहिए, ये सबसे आपकी मेन प्रॉपर्टी है एचसीएफ की, याद रखना, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये मैंने हटा दिया, इसके बाद ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको, ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, बस 2-3 छोटी छोटी बातें बता के क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ एलसीएम वैसे भी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप सब लोग क्या है कि भाई या तो ग्रेजुएट लेवल के आप मेरी क्लास देख रहे होंगे या फिर इंटर तो आप कर ही चुके होंगे, 10+2 तो आपका हो ही गया होगा, और ये तीसरी चौथी क्लास की बातें होती है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल बच्चों वाली बातें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आपका थोड़ा सा बेसिक होना जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा, 40 और ये 50, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना है प्यारे बच्चों, अगर इनका हम एचसीएफ देखते तो इनका एचसीएफ है 10, ठीक है, क्योंकि 10 इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। और ध्यान से देखिएगा, बहुत मैं क्या बता रहा हूं, किसी किताब में लिख के नहीं मिलेगी ये बातें आपको, 40 और 50 का ये डिफरेंस भी क्या है, 10 है, इनका डिफरेंस भी क्या है, 10 है। फिर मैंने दो संख्या ली यहाँ पे, 45 और 55, इनका डिफरेंस कितना है ध्यान से देखिए, 10, पर इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ है 5, इनका डिफरेंस है 10 और एचसीएफ भी 10, और इनका डिफरेंस है 10 लेकिन एचसीएफ है 5, और ये 5 देखना जरा, अगर मैं 10 के टुकड़े करता हूं तो 10, 5, 2, 1, मैंने 10 के टुकड़े करे, तो 10 के टुकड़े करने का मतलब है, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं आपको, तो लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो एचसीएफ होता है हमारा, या तो वो डिफरेंस ही होता है संख्या का, फिर से रिपीट करता हूं, जो एचसीएफ होता है या तो वो डिफरेंस ही होता है, दो संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वही एचसीएफ हो जाता है, या फिर उस अंतर में कहीं छिपके बैठा होता है। जैसे ये 5 क्या है, देखो इस 10 के अंदर है, यानी कि 5 क्या है, इस 10 का एक टुकड़ा है, बात समझ में आ रही होगी, मैं फिर से इस लाइन को बोलता हूं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको, बार बार जरूरत पड़ेगी इन चीजों की हमें। मैंने कहा कि एचसीएफ, ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ या तो डिफरेंस ही होगा या
दो संख्याओं के डिफरेंस में कहीं छिप के बैठा होगा, ठीक है, डिफरेंस होगा या उसी में कहीं छिप के बैठा होगा। चलिए, तो मैंने ये अभी आपको ये दो ही विशेषताएं बताई है, आपको दो तीन बातें मैंने आपको बताई है और इन्हीं पे हम अपने क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप कहोगे कि जी बताए क्या है, बताओ, बिल्कुल बेकार बेकार सी बातें मैंने आपको दो तीन बताई, अब इन्हीं से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब एक चीज और देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया कि 40 है ये 50 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 है। एक बार ये जो डिफरेंस है ना, आप ये देख लो, ये डिफरेंस किसको, 40 को डिवाइड करता है और ये डिफरेंस 50 को भी डिवाइड करता है। तो लिख लीजिएगा, अगर डिफरेंस दो संख्या, अभी दो संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, यदि डिफरेंस दोनों संख्या को, डिफरेंस दोनों संख्या को डिवाइड करता है तो वही HCF होगा, तो वही HCF होगा, ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिएगा, शुरू करते हैं आगे कहानी। अब हमें बताना है जी HCF, यहां इसका मतलब है कि HCF ज्ञात करें, ज्ञात करें। अब देखिए इस सवाल को देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमने देखा जी 18, 21, 24, 27 सब में कितने का डिफरेंस है, इनमें सब में डिफरेंस है 3, और 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी और इसको भी। तो मैंने कहा आप लोगों से कि अगर 3 इन सब का डिफरेंस है, ठीक है, और 3 क्या है कि इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी और इसको भी, ठीक है, अगर सभी को डिवाइड कर रहा है तो ये 3 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ये 3 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप एक चीज और समझिएगा, अभी मैंने कहा कि मैं दो संख्याओं की बात कर रहा था, यहाँ संख्या कितनी है, 4 है। अगर दो या दो से ज्यादा संख्या भी हो जाती है और डिफरेंस सबका बराबर है, ठीक है, तो डिफरेंस देखो सब में कितना है, 3 है, तो वही HCF हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि दो से ज्यादा संख्याओं में कभी कभी डिफरेंस आपका अलग अलग हो जाता है, तो उसकी बात अभी हम आगे करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे सामने क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिए, ये जो संख्याएं मैंने ली है ना, ये संख्याएं आपको कहीं ना कहीं आगे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उनमें संख्याएं आपको मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि HCF LCM को शुरू करने से पहले कि यही संख्या जब आपको सवालों में मिलेगी जाके, तो आपको ये पता होगा कि इनका HCF कैसे हमें निकालना है, ठीक है, या इनका LCM हम कैसे हमें निकालना है। तो पहले मैंने जितने भी आपके क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके, यानी कि 2021-22-23 के, उनमें से मैंने जहां पे हमें HCF निकालना होता है, तो वहां से मैंने उन संख्या को निकाल लिया और यहाँ रख दिया पहले। तो यानी कि पहले हम उन संख्याओं पर ही काम करेंगे, ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन HCF के, फिर 10 क्वेश्चन LCM के, तो पहले इन पे काम करते फिर क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम इनका HCF निकालते हैं, तो बचपन में जो हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों, बचपन में हमने ये पढ़ा है कि 1092 और ये कितना है, 3432, ठीक है, बचपन में हमने ये पढ़ा है कि बड़ी संख्या यहाँ रखते हैं, छोटी संख्या यहाँ रखते हैं, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। अभी मैं इसको एक बार डिटेल में आपको बता दूं और फिर बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करने हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है, ये 3 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 3 दूने कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 3 में 27 आ जाएगा और 10 3 30 यानी कि ये आ गया 3276, 12 में से 6 गया, 6 बचा, और 13 में से हमारा कितना बच गया भाई, ये 12 में 7 गया, 5 बचा, और इसको डिवाइड करेंगे तो, सॉरी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 156, तो ये कितना आ जाएगा, 1092, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए आप लोग, अगर हम देखते हैं ये कितना है, 156 यानी कि 156, और 156 का मतलब है कि यहाँ पे इस अंक, इन 3 अंकों पे फोकस कीजिएगा, ये 109, ये 15, अगर मुझे इसके पास जाना है तो मुझे 15 7 105 करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 7 बार इसको डिवाइड किया, जब 7 बार डिवाइड करेंगे तो 7 6 के आ गया आपका ये 42, 4 7 5 35, 4 हो जाएगा 39, बचे 3, 7 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या बच गया, 0 बच गया। अब 0 बच गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 156, यानी कि 156 इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे 156, 156 यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो चीज मैंने आपको बताई है हर किसी को पता है, ये जो मैंने बताया इसको डिवीजन मेथड कहते हैं, बचपन में हम इसी तरीके से जो है HCF LCM अपना यूज करते थे, ठीक है, यानी कि HCF हम इसी तरीके से निकालते थे बचपन में, लेकिन आज के टाइम में ये बच्चों वाली बात है, अब आप बड़े हो गए हो तो इस तरीके से मैं ये समझ के चलूंगा कि ये मेथड आपको आता है,
मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि ये मेथड आपको आता है और ये मेथड में किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं करूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैंने इसको रफ कर दिया, अब ध्यान से देखिएगा। अब प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, इसका एच सी एफ। और मैंने आपको अभी ये बताया था कि जो एच सी एफ होता है, ठीक है, वो इस संख्या में भी होगा और इस संख्या में भी होगा, यानी कि दोनों में कॉमन होगा। अब देखिए जरा ये 92 को गौर से देखना और बाद में 32 को बहुत गौर से देखिएगा। 92 बहुत गौर से देखिए और 32 बहुत गौर से देखिए, यानी कि दोनों संख्याएं क्या है, चार से डिवाइड होती है। दोनों ही संख्याएं चार से डिवाइड होती है। जब दोनों संख्या चार से डिवाइड होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों के अंदर क्या है, चार कॉमन है। इन दोनों के अंदर क्या है, चार कॉमन है। तो इसका मतलब है कि मेरे एचसीएफ में क्या है कि चार तो जाएगा ही जाएगा। एचसीएफ में क्या जाएगा, चार तो जाएगा ही जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे। ये भी चार से कट रहा है, ये भी चार से कट रहा है, यानी कि दोनों में चार एग्जिस्ट करता है। और जब दोनों में चार एग्जिस्ट करता है तो एचसीएफ में हमारे क्या जाएगा, ये चार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एचसीएफ में चार जाएगा और देखो 78 में चार है नहीं, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। और 39 में चार है नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें इस वाली संख्या में क्या है, यहाँ भी चार है और इस वाली संख्या में इसमें भी चार मौजूद है। पर प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन आप डायरेक्टली देखिए, क्या 312 1092 को काटेगा, 339 936 और 3×4 1248, यानी कि 1092 से पहले जो 312 से संख्या कटेगी वो है 936 और 1092 के बाद जो कटेगी वो है 1248 1248। इसका मतलब है 312 इसको काट नहीं रहा। और मैंने कहा था कि एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में एग्जिस्ट करता है, वो दोनों को काटना चाहिए। इसका मतलब है कि 312 मेरा आंसर नहीं हो सकता, मेरा आंसर क्या होगा, 156, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं बिल्कुल आराम से रिपीट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि इसमें देखिए ये भी चार से कटता है, ये भी चार से कटता है, इसका मतलब है कि मेरे एचसीएफ में इन दोनों में चार कॉमन है। और एचसीएफ यही तो कहता है, देखो ये वर्ड देख रहे हो आप, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है कि दोनों में होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो चार है इसमें भी और चार इसके अंदर भी है, तो एचसीएफ में भी हमारे चार जाएगा, 100% जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, क्या इसमें चार है, इसमें चार नहीं है, इसमें चार है नहीं, इसमें भी चार नहीं है, इसमें चार है और इसमें चार है, इसमें फोर एग्जिस्ट करता है, इसमें भी करता है, लेकिन 312 क्या इसको डिवाइड करता है, जी नहीं करता। और एचसीएफ संख्या को जरूर डिवाइड करेगा, तो 312 मेरा आंसर नहीं है, क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है एचसीएफ, ठीक है। इसका क्या निकालना है मुझे प्यारे बच्चों, एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ का मतलब होगा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो फैक्टर होना चाहिए, फिर कॉमन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात नजर आ रही है कि देखो इसमें भी पांच एग्जिस्ट करता है, दोनों संख्या पांच की डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी को बिल्कुल अपनी उंगलियों पर करके ये क्लास को देखिएगा, नहीं तो सर के ऊपर से निकल जाएगी। ध्यान से देखिए, इसमें भी पांच है, इसमें भी पांच है। पांच की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट डिजिट या तो जीरो हो या पांच हो, पांच से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें भी पांच है और इसमें भी पांच है, तो एचसीएफ में भी हमारे क्या होगा, पांच जाएगा। तो ना तो बी में पांच है ना डी में पांच है, यानी कि ना तो इसमें पांच एग्जिस्ट करता ना इसमें पांच एग्जिस्ट करता। तो गौर से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, फिर से, इसमें भी पांच है, इसमें भी पांच है, तो ये जो कॉमन फैक्टर है दोनों का क्या है, पांच है, यानी कि पांच से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो एचसीएफ में क्या है मेरे, पांच एग्जिस्ट करेगा, पांच इसमें एंट्री कर जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ में भी पांच हमारा होना चाहिए, जबकि इसमें और इसमें, इन दोनों ऑप्शन में पांच कहीं है ही नहीं। इसके बाद पांच इसके अंदर भी है और पांच इसके अंदर भी। अब हम ये देखेंगे कि इसमें से आंसर कौन सा है, हम देखेंगे कि इनमें से, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, पांच चार नौ और नौ कितना हो गया, 18। पांच चार नौ और नौ कितना हो गया, 18। यानी कि ये वाली संख्या मेरी किससे, नौ से कट जाती है। नौ की क्या है, ये गुणज है, मल्टीपल है। अब यहां देखिए, सात दो नौ और पांच चार नौ, ये भी इसका भी जोड़ कितना बैठ गया, 18 बैठ गया, यानी कि ये भी मेरी नौ का मल्टीपल है, नौ से कट जाएगी। इसका मतलब है कि पांच तो है ही, इनके अंदर एक संख्या और कॉमन है, जो कौन सी है, नौ है। तो नौ पंजे कितना बैठ गया, 45, यानी कि ये सी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखिए दोनों किससे कट रही है, हमारी नौ से कटती है। जब दोनों संख्या हमारी नौ से कट रही है, दोनों संख्या किससे डिवाइड होती है, नौ से, तो पांच के अलावा इनमें क्या होगा, नाइन भी जाएगा, नौ किसमें, सी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दोनों में पांच है, ये दो ऑप्शन गए हमारे, ठीक है, इन दोनों में पांच है
ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमारे गए, ठीक है, पांच इसमें भी है पहले ऑप्शन में और सी में भी पांच है, पर लेकिन हम क्या देख रहे हैं इसमें नौ है और इसमें भी नौ है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ अंकों का योग, इन दोनों के अंकों का योग क्या है, नौ से डिवाइड होता है, और नौ से डिवाइड होता है तो नौ भी हमारे एसी में जाएगा, इसका मतलब नौ कहाँ पे है, सी पे है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मेरे पढ़ाने का यही तरीका रहेगा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है 2502 और 3654, अब डिटेल में करके देखिएगा आप लोग, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 2502 और 3654 हमें क्या बताना है, इन दोनों का HCF। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं ये देखता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चीज बताता हूँ, जब ऑप्शन में दो दो अंक लिखे हो ना तो डायरेक्टली चेक कर लो कि भैया ये HCF हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए जरा, सबसे पहले मैं आता हूँ 12 पे, क्या 12 HCF हो सकता है, चलिए देखते हैं। 12 किससे बनता है, 4 और 3 से, तो 12 HCF अगर होगा तो 12 इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं इनको एक बार, 2502 और 3654, ठीक है। तो 12 2502 के अंदर होना चाहिए, 3654 के अंदर होना चाहिए, और जो संख्या में 12 होगा उसके अंदर 4 और 3 दोनों होंगे, जबकि इसमें देखो इसमें जो है 4 नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लो, 54 क्या 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब जो संख्या 4 से ही नहीं कटेगी वो 12 से कैसे कट जाएगी, समझ पा रहे हो आप, जो संख्या 4 से ही नहीं डिवाइड होगी वो 12 से कभी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें, जब 4 है नहीं तो इसका मतलब 16 भी नहीं होगा, 16 में भी तो 4 है, ठीक है। अब आते हैं 18 और 21 पे, ठीक है। अगर अब हम यहां देखें, पहले एक बार 18 को देख लेते हैं, 18 किससे बनता है हमारा, 2 से और 9 से, क्या दोनों में 2 है, हाँ जी बिल्कुल है, दोनों में 2 है। अब एक बार 9 को चेक करते हैं, देखो 5 2 7 और 2 कितना हो गया, ये 9, यानी कि इसके अंदर 9 है, बिल्कुल है, क्या इसके अंदर 9 है, 6 3 9 5 4 9, हाँ जी इसके अंदर भी 9 है, इसके अंदर भी 9 है, इसके अंदर भी 9 है, और 2 भी है दोनों के अंदर, अगर 2 भी है और 9 भी है तो इसका मतलब हमारा HCF कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, अब हमें देखना है कि इसका HCF क्या होगा, ठीक है। 720 और 896, क्या 15 हो सकता है, भाई साहब मैंने देखते ही काट दिया, इसके अंदर देखो 15 में क्या आता है, 15 में आता है 5, और देखो 896 में तो 5 है ही नहीं, समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। और जबकि जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होता है ना यहाँ पे, तो आप एक बार क्लास को पॉज करके उसे खुद ही देखा करें, एक बार पहले सोल्व करें खुद एक बार, और फिर देखें कि जी मैं कैसे बता रहा हूँ, उस अप्रोच को फॉलो करें और अपनी गलती को क्या करें, नोट करें। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम देखें तो 15 में क्या आता है, 5 आता है, और 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि 15 और 20 ये दो आंसर मेरे कभी नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते तो 19, क्या 19 इसको डिवाइड करता है, 19 चौके 76 होते हैं, 760 होते हैं, 760 को डिवाइड करेगा, 720 को नहीं करेगा, इसका मतलब है कि ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो आंसर क्या बचा हमारा, 16, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि एग्जाम में कि हम इसे इन्हें डिटेल में देखें, ठीक है, या डिटेल में करें, और मैंने कहा कि डिटेल इन सब क्वेश्चनों की आपको आती है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप सबको पता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 5 5 6 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, 5 5 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, उसका कारण क्या है, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है, लेकिन खाली मेहनत करने से अगर नौकरी मिल जाती तो फिर तो दुनिया कर लेती मेहनत, ठीक है, क्योंकि वहां जो बच्चा 5 साल 6 साल से तैयारी करे उसे आता सब कुछ है, घर आके पूछो भाई पेपर क्यों नहीं हो रहा, भाई आता तो सब कुछ है लेकिन टाइम कम पड़ जाता है, टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है। अब टाइम क्यों कम पड़ जाता है, क्योंकि उसे ये बातें आती नहीं है, ये चीजें आती नहीं है, वो जानता नहीं है इन बातों को, ठीक है, वो किताबी मेथड पे चलता है, और किताबों में जो सोल्यूशन दिए गए हैं उनसे कभी एग्जाम आपका निकलेगा नहीं, इस बात को मेरे से लिखवा लीजिए आप, ठीक है, ये तजुर्बा है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, देखिए ध्यान से, अब देखिए पहले जो हमारे ऑप्शन होते थे ना, पहले जो ऑप्शन होते थे वो कैसे थे, दो दो अंकों के ऑप्शन थे, दो दो अंकों के, कैसे ऑप्शन थे हमारे पास, दो दो डिजिट के, तो डायरेक्टली चेक कर लेते,
अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो तीन तीन डिजिट के हैं, ठीक है ना, कैसे तीन तीन अंकों के हैं। तो मैं दूसरी विशेषता पे आता हूँ, किस पे आता हूँ, दूसरी विशेषता, जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, इनका डिफरेंस करो तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 130, सॉरी अंतर है इनका 272, 272, इन दोनों का अंतर कितना है, 272, ठीक है। और आप चाहे तो इनका भी अंतर कर सकते हो, लेकिन आंसर इसी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए 272, क्या 272 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 272 तो ऑप्शन में नहीं है, बात समझ गए। तो मैंने कहा था कि जो एचसीएफ होता है संख्याओं का, या तो वो अंतर ही होता है या फिर अंतर में कहीं छिपके बैठा होता है, ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो देखते हैं, अब अंतर अगर देखे तो इनको डिवाइड नहीं करता, और अगर अंतर यानी कि डिफरेंस इनको डिवाइड नहीं करता, ना ही ये ऑप्शन में है। पर आप देख रहे होंगे जो ये 136 है ना, ये इसी का पार्ट है, इसको 2 से भाग करोगे तो ये क्या मिलेगा, हमें 136 मिलेगा। बाकी कोई भी तीनों ऑप्शन में, क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बाकी तीनों ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसके अंदर हो। देखो 254 इसके अंदर नहीं है, 146 इसके अंदर नहीं है, 204 इसके अंदर नहीं है। पर अगर ऐसा हो जाता कि दो ऑप्शन ऐसे आ जाते जो 272 के अंदर होते, बात समझ गए, 272 के अंदर होते, 272 के अंदर, तो फिर हम उन दोनों ऑप्शन में से एक को वेरीफाई करते, एक को ये देखते, एक को ये चेक करते कि उनमें से कौन सा ऑप्शन इन तीनों संख्याओं में है, और जो इन तीनों संख्याओं में होता वही हमारा क्या होता, आंसर होता, ठीक है। पर फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन जो है ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और एग्जाम के ही ऑप्शन है आपके ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 272। अब देखिए 254 क्या इसके अंदर है, नहीं। क्या 146 इसके अंदर है, नहीं। क्या ये इसके अंदर है, जी नहीं, बात समझ गए। तो कौन बचा, 136, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 136 आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, अगर और डायरेक्ट, अगर आप चाहे कि भाई मुझे तो और ज्यादा डायरेक्ट करना है, ठीक है, तो आप देखिए अगर ये एचसीएफ है तो इन तीनों संख्या में होना चाहिए, क्या इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। देखो 254, 254 दोनों कितना हो जाएगा आपका, 508 होगा, ठीक है, 400 से तो बहुत ऊपर जाएगा। अब यहाँ देखिए 146, क्या 146 इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा भाई। क्या 136 इसको डिवाइड करेगा, हाँ जी कर रहा है, 136 तो डिवाइड कर रहा है। क्या 204 भी कर रहा है, हाँ जी 204 भी कर रहा है। पर क्या 204 680 को भी डिवाइड कर रहा है, जी नहीं कर रहा है। देखो 204 का 680 को भी डिवाइड कर रहा है, 680 को, देखो 2 × 3 = 6 और 4 × 3 = 12, ये तो 612, यानी कि 600 से नीचे कौन सी संख्या कटेगी, 204 से, 612, और 680 के बाद कौन सी कटेगी, 2 × 8 और 4 × 16, यानी कि 816। तो 204 क्या है, इसके अंदर तो है पर इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए इसको काट देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो आप मुझे सीधा व्हाट्सअप कीजिए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी घर पे बैठ के आपको एक काम ये भी करना है कि इनको डिटेल में भी करके देखना है, आपको डिटेल में भी करते रहें आप इन्हें, क्योंकि पेपर में डिटेल में नहीं करना, लेकिन डिटेल क्या होती है कि हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाती है। तो घर पे आप इन्हें डिटेल में भी सोल्व करें, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से भी आप इनको सोल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये, और देखिए फिर से हमारे पास जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार के हैं, फिर से जो हमारे पास ऑप्शन है वो तीन अंकों में है, देखो तीन अंकों में, ठीक है, तीन अंकों में है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर लो। देखो 20 में से 16 गए कितने बचे, 400, और 51 में से 32 गया कितना बचा, माइनस का 19, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 381, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 381। और इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा बार बार कि जो एचसीएफ होता है या तो वो डिफरेंस ही होगा, अंतर ही होगा, पर अंतर तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, या फिर अंतर में कहीं छुप के बैठा होगा, अंतर में कहीं छिप के बैठा होगा। तो इसका सीधा सा मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखना, क्या 127 381 में है, जी हाँ बिल्कुल है। क्या ये भी है 133, नहीं जी 133 तो नहीं है। क्या 305 भी इसके अंदर है, बिल्कुल नहीं है। और क्या ये इसके अंदर है, जी नहीं, ये भी नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो तीनों में से एक भी ऑप्शन 381 के अंदर नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है 127 जो 381 के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1517 है 902। अब देखिए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये 32 दो दो डिजिट के हमारे ऑप्शन है, तो इन्हीं से चेक कर लेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या 32 इसका एचसीएफ हो सकता है, जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
अब अगर मैंने इसको काटा तो सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन कीजिएगा कि मैंने इसको क्यों काट दिया इस ऑप्शन को, ऐसा क्या है कि मैंने 32 को देखते ही काट दिया कि ये इनका एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 32 में देखिए 2 आया है और 1517 में देखिए क्या कहीं 2 दिखाई दे रहा है आपको, ये एक विषम संख्या और विषम में 2 होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं 39। 39 किससे बनता है प्यारे बच्चों, 3 से और 13 से। तो 3, अब ध्यान से देखिएगा, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 1 14, इसको भी छोड़ो, 9 और 2 11, इनका जोड़ कितना आ गया 11, यानी कि दोनों में से एक भी संख्या 3 से नहीं घट रही है, दोनों में से एक भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती। बात समझ में आ रही होगी आपको, तो 39 भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 39 किससे बना है, 3 और 13 से। बात आगे समझ में, अब 13 और 3 से बना क्या 39, और जो संख्या 39 से कटेगी वो 3 से तो 100% डिवाइड हो जानी चाहिए, लेकिन 3 से इनमें से एक भी संख्या डिवाइड नहीं होती है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं, 41 एक प्राइम नंबर है, इसको बाद में देखेंगे, पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं 45। तो 45 को भी हमने देखते ही काट दिया भाई, क्यों काट दिया, क्योंकि 45 में 5 है, 5 ना इसमें है और ना इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा 41, यानी कि 41 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, 32 मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि इनमें से इसमें देखो 2 है नहीं, 2 नहीं है तो ये गया हमारा। ठीक है, 39 मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि 3 और 13 से बनता है और 9 और 2 11, 11 का मतलब ये संख्या 3 से कटी नहीं रही, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। इसके बाद 41 प्राइम नंबर है, इसको बाद में देखेंगे, पहले 45 देखते हैं। 45 का मतलब है कि ये बना है आपका किससे, 9 और 5 से, तो ना तो 9 से ये संख्या कटती है और ना 5 से कटती, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है 41, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं इसे आपको एक तरीके से और भी बताऊंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो इन दोनों का डिफरेंस देखना प्यारे बच्चों कितना है आपका, 1517 और 902, इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो 15 में से 9 गए 6, 17 में से 2 गए 15, 615, इनका डिफरेंस कितना आ गया 615, इनका डिफरेंस कितना आ गया 615। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इनका डिफरेंस 615 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 615 तो इनको डिवाइड करेगा नहीं, करेगा नहीं तो ये तो हमारा एक्सेप है नहीं, है नहीं तो ध्यान से देखिए 615 में एक 5 दिखाई दे रहा होगा आपको, 5, क्योंकि 5 से कटते और 5 इनमें है नहीं, तो 5 को आप क्या करो पहले बाहर निकाल दो, अगर 5 को बाहर निकालेंगे इसमें तो 5 से भाग करो इसको, 5 एकम 5, 5 दोने हो गया 10 और ये आ गया 3, ठीक है 123। अब 123 में आपको 3 2 5 1 6, देखो इनके अंकों का योग कितना है 3 2 5 1 6, और 6 किससे बनता है, 6 बनता है आपका देखिए 2 और 3 से, क्या 3 इसके अंदर है जरा देख लो एक बार, 9 और 2 11, इसमें 3 है ही नहीं, तो 3 भी बाहर निकालो, 3 बाहर निकालते क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, और 41 एक प्राइम नंबर है, अब इसे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्राइम नंबर अब टूटेगा नहीं आगे। ठीक है, तो 41 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आते ही आपने उड़ा दिया होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 31 है और 31 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा डिफरेंस से बड़ा कभी एचसीएफ होता नहीं है, दो संख्याओं के अंतर से बड़ा एचसीएफ होता नहीं है, लिख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, डिफरेंस से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और आप देख रहे होंगे कि बाकी की सारी संख्या वैसे भी पहले भी ये प्राइम नंबर है, टूटेगा भी नहीं, दूसरी बात है कि तीनों ऑप्शन इससे बड़े हैं, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 31। ठीक है, आंसर क्या हो गया 31। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं कि आपने भाई उड़ा दिया होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 1120, इनका डिफरेंस क्या आ जाता है 1120। तो सबसे पहले 1120 ऑप्शन में है जी, हाँ क्या 1120 इसको काटता है जी, 11 33 और 20 60 और 11 2 22 और 20 2 40 बिल्कुल काटता है जी, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से बताता हूँ आपको, ये देखिए 3360 और 2240 इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस ही कितना है इनका 1120, और मैंने कहा था कि अगर ये डिफरेंस दोनों संख्या को डिवाइड करता हो, इनको काटता हो, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए ये इसको भी डिवाइड करता है और ये इसको भी डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गया यही हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको बिल्कुल आप अपनी उंगलियों पे कर दो। ठीक है, क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में यही चीजें काम आएंगी और आपने मेरे पढ़ाने का तरीका देख लिया होगा,
मैंने आपको बताया था कि 90% क्वेश्चन पेन फ्री करा दूंगा, तो इसका मतलब है करा दूंगा। दूसरे अध्यापकों की तरह किसी की बुराई में नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे चूरनबाजी करनी नहीं आती और हवा में तीर छोड़ने नहीं आते। जो सच है उसी की बात करूंगा, ठीक है। वो बाकी तो मार्केट में दुनिया भर की चीजें चलती हैं, 3 महीने में आपको वर्दी भी दिलवा देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेहनत कीजिएगा, मेहनत बिना मेहनत के आपको वर्दी नहीं मिलेगी, ठीक है। जिस बच्चे के सपने में वर्दी यानी कि यहाँ स्टार दिखाई देते हैं, तो उसे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिखाई देता है, जिंदगी में और कुछ दिखाई नहीं देता। तो ध्यान से देखेगा इस बात को, सुनिएगा मेरी इस बात को, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि मैं आपके 90% क्वेश्चन पेन फ्री करा दूंगा। पढ़ाने का तरीका आपको पता चल ही गया होगा कि आगे चैप्टर में मैं किस तरीके से आपको हैंडल करने वाला हूँ। बात समझ में आ गई इतनी? तो आगे चल के इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। अब देखिए यही संख्या आगे चल के क्या बन जाएगी, एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बन जाएगा, लैंग्वेज वाला बन जाएगा। तो निकालना तो वहां भी हमें एचएफ एलसीएम ही है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा 5 मिनट में आपसे मांगता हूँ अपने लिए, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है।